Good morning, students. Our last lecture, we will complete our. So we start our 8th chapter and half complete our 8th chapter. जिसमें हमने discovery of the cell and structural units, number of cells, organisms, so varieties in cell membrane, shapes and size. उसके बारे में discussion किया था cell के. And structural के बारे में. Now today we will discuss about parts of the cell. Parts of the cell में first one cell membrane. The basic component of a cell are cell membrane. सबसे basic component क्या होता है cell के अंदर? Cell membrane, cytoplasm and nucleus. क्या क्या होता है? Cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. यानी कि जैसे कि एक wall होती है और wall के अंदर जैसे कि हमारा home होता है, तो home के अंदर जैसे हम रहते हैं तो वैसे cytoplasm और nucleus रहते हैं और cell membrane यानी कि जो हमारा home होता है वो और जिसमें हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो साइटोप्लाज्म जैसे होते हैं और न्यूक्लियस यानी कि मेन जो होता है वो न्यूक्लियस ऐसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं. अंडरस्टूड? ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप ओनली मेम्ब्रेन भी कह सकते हो. तो मेम्ब्रेन होती है वो दूसरे सेल से उसे सेपरेट करती है. यानी कि जैसे कि जो हमारा होम होता है उसका बाजू वाले का होता है तो सब सेपरेट होते हैं, ऐसे ही जो सेल्स होते हैं उसकी सबकी सेपरेट मेम्ब्रेन होती है और उसके थ्रू उसके सराउंडिंग मीडियम्स होते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड. यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सब्सटेंस को मूवमेंट होने के लिए मटेरियल्स को सब्सटेंस और मटेरियल्स को इनवर्ड और आउटवर्ड में मूवमेंट करने के लिए अलो करती है. जो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है वो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेनी है. देन The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे onion cell दिया हुआ है, onion peel दिया हुआ है, उसके अंदर nucleus दिखाया गया है. जो ये nucleus होता है और उसके अंदर ये वाला जो होता है येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो cytoplasm है और ये वाली जो आपको border दिखाई दे रही है वो क्या है? Membrane है और वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उसे हम सेल वॉल भी कह सकते हैं. जैसे कि हम वॉल भी कह सकते हैं हमारे अंदर, हमारे होम के अंदर भी होती है. सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और जो ये सेंटर वाली बॉडी होती है मेन होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो मैंने दिखाया है येलो कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओनियन सेल में, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप्स टू द सेल. हमने आगे भी पढ़ा था शेप में, सेल ऑफ शेप में, कि जो मेम्ब्रेन होती है वो शेप देती है सेल को. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plants called cell wall. जो plant cells होते हैं उसके अंदर ही cell wall होती है. यानी कि cell membrane जो होती है वो only plant cell के अंदर ही होती है, वो animal cell के अंदर नहीं होती है. और दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. यानी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करती है. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. यानी कि हम एनिमल्स में आते हैं तो हमारे जो एनिमल्स सेल के अंदर क्या होता है, हमें कोई भी ऐसी नीड नहीं होती है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले. हमारे लिए तो होम ही होता है, हमारे पास टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के लिए बचने के लिए कोई ना कोई
थिंग्स होती है, बट जो प्लांट्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो सब नहीं होते प्लांट्स के पास, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए सेल होती है, सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन जो उसे टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर उन सबसे बचाती है. दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव. और इसके लिए जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एक्सपोज होते रहते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस होते रहते हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते हैं. सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ फील्ड ऑफ ट्रेडिक्स कानिटिया एलोडिया और रोयो. यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन. और आपको ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं स्कूल में आपको दिखा दूंगी. ओके और एक्टिविटी 4 में भी यही है जिसमें एनिमल सॉरी ह्यूमन चिक का सेल लिया हुआ है और जो हम ऐसे ही पढ़ेंगे आपको एक बार ये रीड कर लेना है. ओके साइटोप्लाज्म. इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. यानी कि जो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच वाला जो ये जेली जैसा सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच वाला उसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म. द वेरिएशन अदर्स कॉम्पोनेंट और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. यानी कि वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं जेली जैसा सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. दिस आर मिटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज रिबोसोम्स एक्सेट्रा. यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस. इसके बारे में डिटेल में आप बड़े क्लासेस में आपको डिस्कशन करना आएगा यानी कि इसके बारे में पढ़ना आएगा. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. जो लिविंग सेल्स होते हैं उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्पोनेंट है न्यूक्लियस सेल के सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है इम्पोर्टेंट पार्ट है. जैसे कि हमारे अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी होती है तो ह्यूमन बॉडी किसके थ्रू आती है उसके लिए मेन क्या है हार्ट. तो हार्ट जैसे सेल के अंदर हार्ट उसका हार्ट क्या होता है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो सेल्स नहीं होंगे और सेल्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी नहीं बन सकेगी. इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. उसका जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो स्फेरिकल होता है और वो सेल के सेंटर में होता है. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. और ये इजिली दिख सकता है माइक्रोस्कोप के थ्रू. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो न्यूक्लियस को यहाँ पे सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है उसे ये जो ये वाली आपको आउटलाइन दिख रही है उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियस वॉल या तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोअर्स एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. जो हमने आगे भी देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी पोअर्स होती है तो उसके अंदर जो भी मटेरियल्स सब्सटेंस होते हैं उसे मूवमेंट करने के लिए यानी कि इनवर्ड और आउटवर्ड जाने के लिए मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती है. ऐसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी अलाउ करती है साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं उसे. विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. और आप उससे भी अच्छा मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप से देखोगे तो स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस की उसके अंदर भी कुछ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं स्फेरिकल दिखाई स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी में कुछ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियस. और उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियस. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. और उसके अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स. दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. और जो क्रोमोसोम होता है वो कब दिखाई देता है जैसे कि यहाँ पे सेल दिया हुआ है तो ये सेल डिवाइड होगा तभी क्रोमोसोम दिखाई देता है यानी कि यहाँ से ये वाला सेल पार्टीशन होता है और ये जैसे इसमें मिक्स होता है और इसमें मिक्स होता है तो यहाँ पे तब भी क्रोमोसोम्स दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में हम देखें तो. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जीन्स होते हैं. जीन्स के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि हमें बताया जाता है कि तू हमें बोला जाता है कि तू तेरे मम्मी जैसा लग रहा है पापा जैसा लग रहा है तो क्यों लग रहे हैं वो जीन्स के थ्रू लग रहे हैं क्योंकि जीन्स ही ऐसे हैं जो इनहेरिट होते हैं ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर से हमारे अंदर और हमारे से
या तो हमें हमारे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के भी जीन्स हमें मिल सकते हैं, हमारे पापा के और हमारे जो इन मम्मी के नान पेरेंट्स वाले होते हैं वहां से भी मिल सकते हैं मम्मी के थ्रू। तो ये जो भी हमारे अंदर आते हैं जीन्स उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये इसके जैसा है और इसके जैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसी मिलती है ऐसे तो पेरेंट्स के, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये इसके पेरेंट्स जैसा ऐसा लग रहा है। और अंडरस्टूड, जीन्स के बारे में आपको नेक्स्ट 9 चैप्टर में ज्यादा पढ़ने में आएगा। ओके, और पढ़ना हो तो यहाँ पे सम इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ इनडायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स के थ्रू डायरेक्टली हमें मिलता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू, यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है सम वो हमें मिलती है। इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, हमारे फादर की ब्राउन आइज होती है तो हमारी भी ब्राउन आइज होती है, और मम्मी के कर्ली हेयर होते हैं तो हमारे भी कर्ली हेयर होते हैं। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इसके लिए हमारे मम्मी और पापा की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हम उसका कॉम्बिनेशन मिलता है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल की सारी एक्टिविटी होती है सेंटर होता है, जैसे कि हमारे स्कूल का होता है तो स्कूल में सबसे सबको हैंडलिंग कौन करता है, प्रिंसिपल। तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल के लिए यानी कि सेल के अंदर सबसे प्रिंसिपल क्या होता है, न्यूक्लियस। द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और उसके लिए जो एंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल के अंदर उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इन इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस कहते हैं सेल का। यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टेरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द सेल हैविंग न्यूक्लियस मटेरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है और जिसकी सेल वॉल नहीं होती है उसे, और न्यूक्लियस की न्यूक्लियस वॉल नहीं होती है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसके अंदर और जो न्यूक्लियस होते हैं वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रो यानी प्रिमिटिव्स एंड कायरोन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस वेल सेटल्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए, द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनड एज यूकैरियोटिक सेल्स, और उसे क्या कहते हैं, जिसका सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल सेटल्ड होता है, वेल डिजाइन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगाए और बैक्टीरिया के अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक्स में आते हैं, और उसे यूकैरियोटिक्स कायरोट्स कहे जाते हैं, यानी कि ट्रू यानी यू यानी ट्रू एंड कायरोन यानी कि न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं उसे यूकैरियोटिक्स कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा एग्जाम में आ सकता है, और इसके बारे इसका भी वेरिएशन यानी डिफरेंस भी आता है एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको ये एक बार अच्छी तरह से केयरफुली रीड कर लेना है। ओके, व्हाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, हमें ऑनियन सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर डिड यू नोटिस एनी ब्लैक लुक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ से ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, जो ये वाला ब्लैक कलर का होता है जो हम नेचुरली देखे तो, इसके अंदर तो नहीं है बट नेचुरली देखे तो ये ब्लैक कलर का होता है, तो इसे क्या कहते हैं, वोक्यूल्स, क्या कहते हैं, वोक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल, और ये सिंगल होता है और बिग होता है सेल के अंदर। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वोक्यूल्स, लार्ज वोक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स,
यानी कि जो एनिमल्स सेल्स होते हैं ओनियन सेल्स से, उसके अंदर बीक होते हैं और सिंगल होते हैं वोक्यूल्स, और चीक सेल के अंदर स्मॉलर होते हैं और मल्टी नंबर्स में होते हैं। लार्ज वोक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वोक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, और एनिमल सेल के अंदर जो वोक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. They are called plastids. They are of different colors. Some of them contains green pigments called chlorophyll. जो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं सेल के अंदर, जिसके हमें जो लीफ होते हैं उसका कलर ग्रीन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्लोरोफाइल के थ्रू, जो हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से फर्स्ट समय, इसलिए ही उसका कलर ग्रीन कलर होता है लीफ का कलर, क्योंकि क्लोरोफाइल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टाइड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर के क्लोरोफाइल होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और इसके थ्रू ही लीव्स का ग्रीन कलर होता है। यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफाइल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जो हमने सेवन स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अंडरस्टैंड? देन हियर अवर लास्ट टॉपिक, कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यहाँ पे कंपेरिजन करना है कि किसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेट अस टेबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्यूज फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशंस हियर, यहाँ पे सब फ्यू फीचर्स ही दिए हुए हैं जो एनिमल सेल के अंदर होते हैं या एनिमल प्लांट सेल में नहीं होते, या प्लांट सेल में होते हैं एनिमल सेल में नहीं होते, वो आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन करने के बाद यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है तो दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है तो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल के अंदर होती है क्योंकि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, बट एनिमल्स को नहीं पड़ती इसलिए उसके अंदर नहीं होती है। जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये टेबल फिलअप करना है और मुझे इसका होमवर्क में आपको पिक सेंड करना है। ओके, अंडरस्टैंड? हियर अवर 8th चैप्टर कंप्लीट। नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।